नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न एकेडमी पर। कंप्यूटर सीरीज का एक और वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं और आज हम जानेंगे कि प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट और लेजर प्रिंटर में क्या अंतर होता है। वर्तमान समय में हर किसी को प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्रिंटर क्या है और प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। किसी को ऑफिस के लिए प्रिंटर लेना होता है तो किसी को अपने छोटे मोटे कामों के लिए, तो किसी को अपनी शॉप के लिए लेना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रिंटर आखिर है क्या। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे अप्लॉज बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रिंटर एक प्रकार का मशीन होता है जो किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। बेसिकली प्रिंटर का मुख्य कार्य होता है सॉफ्टवेयर पर लिखे हुए टेक्स्ट को एक पेपर पर प्रिंट करना। प्रिंटर कंप्यूटर के निर्देश अनुसार ही वर्क करता है, कंप्यूटर द्वारा दिए गए इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो अब बात आती है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रिंटर के प्रकार की बात करें तो ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक इंकजेट और दूसरा लेजर प्रिंटर। तो आइए जानते हैं कि इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। इंकजेट प्रिंटर एक सस्ता प्रिंटर है जो आपको किसी भी कंपनी का कम पैसे में मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इंकजेट प्रिंटर आप अपने घर में या छोटी शॉप में यूज़ करने के लिए रख सकते हैं और आसानी से आप उपयोग कर सकते हैं। ये कम बजट में एक खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी का कलर प्रिंट देता है। अगर आपको थोड़े कलर और थोड़ा ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना है तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। पर अगर आपको बहुत अधिक मात्रा में प्रिंट करना है तो इंकजेट प्रिंटर आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसकी इंक यानी कि कार्ट्रिज का खर्चा अधिक आता है। तो चलिए जानते हैं इंकजेट प्रिंटर के फायदे क्या क्या हैं। इंकजेट प्रिंटर के बहुत सारे फायदे हैं। ये एक तो सस्ता प्रिंटर होता है और कम बजट में कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों ही मिल जाता है। आप आसानी से इस प्रिंटर को कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और घर में और छोटी शॉप में उपयोग करने के लिए ये बेस्ट प्रिंटर होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इंकजेट प्रिंटर के नुकसान क्या क्या हैं। जहां फायदे होते हैं वहीं कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर इंकजेट से 10 से 15 दिन प्रिंट नहीं किया गया तो उसकी कार्ट्रिज सूख जाती है, जिसकी वजह से आपको बार बार उसकी कार्ट्रिज चेंज करानी पड़ती है और इसकी कार्ट्रिज चेंज कराने में खर्चा ज़्यादा आता है। इंकजेट प्रिंटर की प्रिंटिंग लागत थोड़ा ज़्यादा पड़ती है लेज़र प्रिंटर के मुकाबले। तो चलिए अब हम जानते हैं लेज़र प्रिंटर क्या होता है। अगर हम बात करें लेज़र प्रिंटर की तो लेज़र प्रिंटर थोड़ा महंगा पड़ता है इंकजेट के मुकाबले, लेकिन इसको कभी भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो इंक होती है वो ड्राई यानी कि सूखी होती है, ये कभी सूखती नहीं है। इसीलिए थोड़ा ये महंगा ज़रूर है, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत अच्छा माना गया है। इसमें जो कार्ट्रिज यूज की जाती है उसे टोनर बोलते हैं, ये कभी सूखती नहीं है और लंबे समय तक चलने वाली होती है। लेज़र प्रिंटर के फायदे क्या क्या हैं। लेज़र प्रिंटर की बात करें तो इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है। इसका जो पर प्रिंट कॉस्ट होता है वो 70 से 80 पैसे होता है और प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। कम पैसे की लागत में लॉन्ग लाइफ तक इसकी कार्ट्रिज चलती है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिंट करना है तो लेज़र प्रिंटर आपके लिए बेस्ट है। लेज़र प्रिंटर के नुकसान क्या क्या हैं। लेज़र प्रिंटर के जो फायदे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होंगे ही। लेज़र प्रिंटर कॉस्टली यानी महंगे होते हैं, इसकी रिपेयरिंग में काफ़ी पैसे लग जाते हैं और इससे हम कलर्ड फोटो प्रिंट नहीं कर सकते, केवल ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ही कर सकते हैं
मतलब आप इससे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही दे सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको कलर लेजर प्रिंटर भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब बात आती है कि कौन सा प्रिंटर ज़्यादा अच्छा है और कौन सा आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसका कोई फिक्स उत्तर नहीं दिया जा सकता है कि इंकजेट प्रिंटर लें या फिर लेजर प्रिंटर लें। किसी को घर के उपयोग में लेना होता है तो किसी को अपने शॉप में उपयोग करना होता है, इसीलिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस काम के लिए प्रिंटर लेना चाहते हैं, आपको प्रिंट क्या करना है और कितना करना है। इंकजेट में प्रिंट करना थोड़ा महंगा पड़ता है, इसका पर पेज प्रिंट लागत 3 से 4 रुपये पर पेज आ जाती है। अगर आपको हर महीने 100 से 500 पेज प्रिंट करने हैं तो आपके लिए इंकजेट प्रिंटर ठीक है, पर अगर आपको 1000 से कहीं ज़्यादा प्रिंट करने हैं तो आपके लिए यह सही नहीं होगा, आपको लेज़र प्रिंटर तब लेना चाहिए, क्योंकि लेज़र प्रिंटर की जो पर पेज लागत है वो बहुत ही कम है और इसकी प्रिंट बहुत ही अच्छी आती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रिंटर क्या है और इंकजेट और लेज़र प्रिंटर में अंतर क्या है यह आपको समझ में आ चुका होगा। आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको प्रिंटर से संबंधित सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए होंगे। जो अगर आपको इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।